हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से जो है हम HDFC बैंक का न्यू नेट बैंकिंग का जो पोर्टल है उसके थ्रू में हम जो है थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र को बढ़ाया घटा सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले तो हमें लॉगिन कर लेना है नेट बैंकिंग पोर्टल में। उसके बाद में हमें देखिए यहाँ पे करके ऑप्शन है, पे में क्लिक कर देना है, मनी ट्रांसफ़र में ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में हमें देखिए आप राइट साइड में एक ऑप्शन है लॉग आउट के नीचे, ही आप देख सकते हो कि कस्टमाइज ट्रांसफ़र लिमिट करके एक ऑप्शन है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अभी करंट जो मेरा लिमिट है 9,59,000 का लिमिट है। आपको चाहिए तो इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैं आपको खाली करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लाख का लिमिट चाहिए तो इस पे यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे नोट में भी देख सकते हो कि ये जो आप अगर लिमिट को इंक्रीज करते हैं तो HDFC टू HDFC में भी ये बढ़ आपका लिमिट बढ़ेगा। NEFT करना है तो उसके लिए भी बढ़ जाएगा, RTGS करना है तो वो भी बढ़ जाएगा, वीज़ा पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड को आपको पेमेंट करना है तो उसके लिए भी यही ऑप्शन है इंक्रीज़ करने का। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ये इंक्रीज़ होगा। थर्ड पार्टी डिमांड ड्राफ्ट, अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट इशू करना है तो ये लिमिट को आपको इंक्रीज़ कर देना है। IMPS करना है तो IMPS के लिए भी आप यही से इंक्रीज़ कर सकते हो। वैसे तो IMPS का जो मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख है, बट इन मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख आप कर सकते हो अगर आप इंक्रीज़ कर देते हो तो। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपली ये चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको देखो वेरिफिकेशन के लिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो आप SMS पे एक OTP आएगा और डेबिट कार्ड का डिटेल्स आपको एंटर करना होगा। तो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम सेकंड वाला ऑप्शन करेंगे, OTP और SMS और ईमेल कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो वेट करते हैं OTP के लिए, हम एंटर कर देंगे। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारा जो लिमिट है वो सेट हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको जो है थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र लिमिट को आप सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट करूँगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी सवाल रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।